What about ceasefire violation? आज कांगड़ार साइड से जो पाकिस्तान की तरफ हमारे हमारे सेना हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस उन सारे चीजों को संभालने में सशक्त है, सही उत्तर देंगे। हमारे कार्यकर्ता अभी नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी को आगे बढ़ा रहे हैं और एक नए दौर में जम्मू कश्मीर अब पहुंचा है, तो इस दौर में यहाँ अच्छा विकास हो, लोगों की तरक्की हो, इस दिशा में हमारे पार्टी का भी पूरा प्रयास रहेगा। राम माधव जी, ये जो बीडीसी इलेक्शन का जो एक हम मानते हैं कि पॉलिटिकल प्रोसेस का एक पार्ट है, लेकिन दूसरी साइड से यहाँ की जो मेन स्ट्रीम है वो अंडर डिटेंशन है, अंडर पीएस है, उसके बारे में आप कैसे वो कैसे कर सकते? भाई हम सब भी तो मेन स्ट्रीम है, तो यही जितने जितने लोग यहाँ सही दिशा में राजनीतिक गतिविधि में शामिल है वो सब भी तो मेन स्ट्रीम है। आप इस प्रकार कोई एक और लोग मेन स्ट्रीम है बाकी नहीं है ऐसा मत सोचिए। और कुछ लोगों को किसी परिस्थिति के चलते प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर अंदर रखा गया है। वैसे मैं आपको कह दूं, कोई अरेस्ट गिरेस्ट नहीं होने पर भी जब पंचायत इलेक्शन हुए थे ये सब लोग तो उसको बॉयकॉट ही किए थे, तब भी तो उनको पंचायत इलेक्शन प्रक्रिया में कोई रुचि नहीं थी सिवाय पार्लियामेंट इलेक्शन के जिसमें खुद को चुनकर आना था, बाकी किसी इलेक्शन में